नमस्कार, मैं रोहित रंजन और शंखनाद का आज से नया आगाज हो रहा है, यानी नई शुरुआत शंखनाद की। और शंखनाद नए तेवर और नए कलेवर के साथ अब आपके सामने है। अब हर रोज इसी वक्त हम आपको हिंदुस्तान के शहरों और गांवों की सभी बड़ी खबरें यहां पर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शंखनाद की आज जो शुरुआत कर रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ, वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि जिन पर आज पूरे हिंदुस्तान की नजर है। पहली खबर है, देश में रायसीना का रण जारी है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी हुई है। पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने वोट डाला है और मानसून सत्र का आगाज। दूसरी जो बड़ी खबर है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि मानसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपील की है कि राष्ट्रहित में समय का सदुपयोग हो। तीसरी बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें, उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसके लिए सीएम योगी आज समीक्षा बैठक भी करेंगे और यूपी में फहराए जाएंगे 3,18,00,000 तिरंगे। चौथी बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें हैं, हिंदुस्तान की आज, हिंदुस्तान में शहरों से लेकर गांव तक सैलाब का सितम है और महाराष्ट्र में आसमानी आफत से सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिली है। पहाड़ों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और पांचवी बड़ी खबर, अमेरिका के इंडियाना में गोलीबारी हुई और हमलावर ने ग्रीनवुड पार्क मॉल में एक नहीं लगातार कई गोलियां चलाई, यानी ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है। तो इन पांच बड़ी खबरों पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन हमने जिन पांच बड़ी खबरों की बात की, उन्हीं में से पांच जो तस्वीरें थी वो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ साथ ये भी जान लीजिए ये जो पांच बड़ी खबर है जिसपे सबकी निगाहें रही और इन पांच बड़ी खबरों के साथ विस्तार से हम आपका उसका बड़ा विश्लेषण भी देंगे, यानी पूरी जानकारी इन खबरों की, क्योंकि हर किसी की नजर बस इसी खबर पर है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के समस्तीपुर में लाइव लुटेरे किस तरह से कैद हुए हैं कैमरे पर। कुछ लुटेरे काला हेलमेट पहनकर प्राइवेट बैंक में झुंड बनाकर घुसते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये कुछ लुटेरे हैं जो हेलमेट पहनकर प्राइवेट बैंक में झुंड बनाकर घुसते हैं, पहले गार्ड के साथ मारपीट करते हैं और फिर दिन दहाड़े लूट की कोशिश करते हैं। लेकिन बैंक कर्मियों के अलार्म बजाने और गार्ड की सूझबूझ से लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद अपराधियों ने गार्ड को पिस्टल की बट से मारकर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। गोलीबारी के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार में भीषण हादसा हुआ है और इंदौर से पुणे जा रही यात्री बस नर्मदा नदी में पलट गई है, जिसमें 13 यात्रियों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा हुआ। धार में रोडवेज बस नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू में 15 लोगों की जान बचाई गई। बताया जा रहा है ये बस इंदौर से पुणे जा रही थी। बस में 50 से 55 लोग सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की, उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 सब निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो, अभी बचाव कार्य जारी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं हिंदुस्तान में शहर शहर लहर का कहर लगातार जारी है और गांव के गांव आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ अगली रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं राजस्थान के फतेहपुर की। रेलवे अंडरपास में बरसाती नदी के बीच बस फंस गई। बस में कई यात्री मौजूद हैं। क्रेन की मदद से बस को सैलाब से बाहर निकाला जा रहा है। राजस्थान के कोटा में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पानी के तेज बहाव से कई मकानों और दुकानों में पानी घुस गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमानी आफत ऐसी कि कोटा टापू में तब्दील हो गया है। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में नदियां उफान पर हैं। कई गांव सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं पटना टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार नरुद्दीन को 23 जुलाई तक जेल भेज दिया गया है। उधर लगातार होती गिरफ्तारियों पर पीएफआई विक्टिम कार्ड भी अब खेल रहा है। पटना में टेरर सेंटर लगाने का आरोप जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे
कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पर लगा है। वो आरोपियों के बचाव में उतर आया है। पीएफआई ने ट्वीट कर विक्टिम कार्ड खेल दिया। पीएफआई ने पकड़े गए आतंकियों को मासूम बताया और कहा कि मुस्लिम युवाओं को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक सक्रियता में अपनी आजादी का इस्तेमाल किया। पटना में टेरर मॉड्यूल चलाने का आरोप पीएफआई पर है, इसलिए वो बचाव में उतरा है। रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं लेकिन उसका इतिहास कम दागदार नहीं है। पिछले कुछ समय से जहां भी दंगा और हिंसा की खबरें आईं, उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। दिल्ली दंगा, जहांगीरपुरी हिंसा, कानपुर हिंसा, उदयपुर हत्याकांड, बेंगलुरु हिंसा, करौली और जोधपुर हिंसा में पीएफआई का नाम आ चुका है। खुद को घिरता देख पीएफआई भले ही खुद को पाक साफ बता रहा हो लेकिन सवाल ये उठता है कि हथियार के बल पर इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग मासूम कैसे हो सकते हैं। इस बीच वकील का चोला पहनकर आतंकियों की पैरोकारी करने वाले नूरुद्दीन जंग को 23 जुलाई तक जेल भेज दिया गया है। पीएफआई से जुड़ा नूरुद्दीन आतंकी वारदातों में शामिल रहे लोगों के लिए केस लड़ता है और पटना टेरर मॉड्यूल में भी उसका नाम आया था। उधर लुलू मॉल को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई और अखिलेश यादव भी अब खुलकर सामने आ गए। लखनऊ के लुलू मॉल पर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। पहले नमाज को लेकर बवाल हुआ, फिर हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में चालीसा की और अब अखिलेश यादव खुलकर लुलू मॉल को लेकर बयानबाजी पर उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने लुलू मॉल की आड़ में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, ट्रेन कर करके जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अखिलेश यही नहीं रुके, बीजेपी पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों को हंगामे के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे तो यहाँ तक किसी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं कुछ ऐसे लोग, अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। वह अमेरिका के एक मॉल से गोलीबारी की लाइव तस्वीरें सामने आई और अगली चार खबरों के बाद अब ये जो आपको अमेरिका की विध्वंसक तस्वीरें जो फायरिंग वाली है वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात आजादी के अमृत महोत्सव की कर लेते हैं। अगले महीने 3 दिनों तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और 13 से 15 अगस्त तक देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहरेगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी या खास मौकों पर देश में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन आजादी के 75 साल होने के मौके पर इस बार देश में चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर घर घर पर तिरंगा फहराने की तैयारी है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त की तारीख तय की गई है। इस दौरान देश में 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 3,18,00,000 तिरंगे फहराए जाएंगे। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा। न सिर्फ घरों पर बल्कि दफ्तरों, स्कूलों और संस्थानों पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2,68,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी है। साथ ही करीब 50,00,000 सरकारी दफ्तरों पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। यूपी में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठक करेंगे। शाम को होने वाली इस बैठक में वो तिरंगा अभियान की तैयारियों का जायजा लेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस अभियान में सभी राज्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है। और राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी बनी हुई और मार्गेट अलवा को चुनौती देने के लिए जगदीप धनखड़ पूरी तरह से तैयार है। मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा संसद के बाहर गर्मी कम हुई है, देखना होगा संसद के अंदर गर्मी कम होती है या नहीं। वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रहित में समय का सदुपयोग हो। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके
सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके उस लिए सबका सहयोग हो। हालांकि मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरा, महंगाई, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर हंगामा बरपाया, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो जो मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति को चुनाव को लेकर किस तरह से लगातार साझेदारी की बात हो रही है और दो नामों पर अब लगातार भिड़ंत हो रही है, उससे पहले यह तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए थी, इसलिए यह रिपोर्ट आपके बीच में थी, जहां पर यह पता चला कि मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही काफी ज्यादा हंगामा हुआ, विपक्ष बहुत हमलावर था। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी जिस तरह से अब सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जगदीप धनखड़ है तो दूसरी तरफ मांगे टलवा है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक थे। नामांकन दाखिल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी का आभार जताया। धनखड़ ने कहा, आज एक गरीब किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। जयराम ने पीएम के नामांकन दाखिल करने पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालविया ने जयराम रमेश को खूब खरी खोटी सुनाई। मालविया ने जयराम को कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज काफी ज्यादा सियासी हलचल रही है। 21 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के नए महामहिम कौन होंगे। रायसीना का रण जारी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच रोमांचक टक्कर है। पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने संसद भवन में वोट डाला। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। दूसरी ओर सोनिया और राहुल गांधी ने संसद भवन पहुंचकर वोटिंग की। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए वोट करें, अब तय हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं। मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव नतीजा घोषित होगा। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उधर अखिलेश यादव की भी सियासी मुश्किलें बढ़ रही है और धीरे धीरे करीबी उनसे अब दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से अखिलेश का मिशन 2024 अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश को बड़ा झटका दिया है। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि जो पक्के समाजवादी हैं वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। शिवपाल ने कहा, जिन्होंने मुलायम सिंह का अपमान किया उन्हें हम वोट क्यों करें? जो समाजवादी, कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। आप ही की तरह कहीं तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को बागी तेवर दिखाए, साथ ही बीएसपी में जाने के संकेत दे दिए। राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में हमने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतने जा रही हैं, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लखनऊ में भारी बहुमत से जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें भी बढ़ गई है। वक्फ बोर्ड धांधली केस में एलजी ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अमानतुल्ला और तत्कालीन सीईओ पर कई गंभीर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों को लेकर हुई गड़बड़ी अमानतुल्ला के गले की फांस बन गई है, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अमानतुल्ला के खिलाफ सीबीआई जांच की इजाजत दे दी है। आरोप है कि अमानतुल्ला खान जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच की थी। जांच के बाद अमानतुल्ला खान के खिलाफ काफी सबूत मिलने की बात कही गई थी। सीबीआई के मुताबिक वक्फ बोर्ड में मनमाने ढंग से अपने चहेतों को नौकरियां दी गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। सीबीआई ने शुरुआती जांच में कई सबूत मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल से अमानतुल्ला के खिलाफ जांच करने की इजाजत मांगी थी। अब उपराज्यपाल ने सीबीआई को हरी झंडी दे दी है
और अमानतुल्ला खान पर मुकदमा दायर कर जांच करने का निर्देश दे दिए हैं। वहीं अमेरिका एक बार फिर से गोलीबारी से दहल उठा है। इंडियाना में ग्रीनवुड पार्क मॉल में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिनमें तीन लोगों की जान चली गई है जबकि दो लोग इसमें घायल हो गए। करने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। हंगामा और नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शहीद स्थल से कलेक्ट्रेट हम लोग जा रहे थे अपने सभी साथियों के साथ। पुलिस प्रशासन ने रास्ते में हमें रोका। पिछले 8-10 साल जब से सरकार आई है केंद्र में मोदी जी की 2014 से, और चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, पूरे प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं महंगाई की वजह से। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। आप कार्यकर्ता महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कुछ कार्यकर्ता बीन बजाते हुए भी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनका कहना था कि बीन बजाकर सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। और आज से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर महंगाई का बड़ा बम फूट गया है। आम आदमी पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं। सरकार कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाई है। पहले से पैक किए हुए और लेबल वाले खाने पीने के कई आइटम्स पर ग्राहकों को अब 5% जीएसटी देना होगा। आज से जिन चीजों के दाम बढ़ गए हैं उनमें दही, लस्सी, छाछ, पनीर, सभी प्रकार का गुड़, प्राकृतिक शहद, खांड सारी शक्कर, मूरी, चूड़ा, खोई, मुर्की, चावल, गेहूं, राई, बार्ले, ओट्स, गेहूं का आटा शामिल है। इन सभी पर 5% जीएसटी चुकाना होगा। नारियल पानी, सोलर वाटर हीटर और सिस्टम, चमड़ा, सभी प्रकार के प्रिंटेड मैप, 1000 रुपए प्रतिदिन वाले होटल के कमरे पर 12% की दर से जीएसटी देना होगा। एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, चम्मच, काटा, स्कीमर, प्रिंटिंग, लेखन और ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली स्याही, बिजली से चलने वाले पंप, साइकिल पंप, डेयरी मशीनें, मिल के साथ बीज और दाल की सफाई वाली मशीनें, ईयर बेस्ड आटा चक्की, क्यूजे, 5000 रुपए से अधिक किराए वाले हॉस्पिटल के कमरों पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इसके अलावा बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि चेकबुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी वसूली जाएगी। जाहिर है पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर बोझ और बढ़ने जा रहा है। और आज सावन का पहला सोमवार है। महादेव के भक्तों में जबरदस्त जोश है। शहर शहर, गांव गांव भोले के नारे लग रहे हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये शानदार तस्वीर यूपी के वाराणसी की है। वाराणसी घाट पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार को अपार संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भक्तों ने डमरू बजाकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। यह है झारखंड का देवघर। देवघर भोलेनाथ के रंग में रंगी है। सावन के पहले सोमवार पर दूर दराज से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। बम्बा भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठा। पटना के शिव मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब है। हर हर महादेव के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। राजस्थान के बीकानेर में शिव भक्तों ने 1.25 लाख रुद्राक्ष से 18 फीट का शिवलिंग बनाया। गुजरात से आए कलाकारों ने कई दिनों की मेहनत से शिवलिंग को बनाया है। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन फौरन वापस आ रहे हैं। खबरें अभी और भी है। चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग। ओडिशा में कांग्रेस विधायक ने एनडीए उम्मीदवार को डाला वोट। असम, मेघालय में भी क्रॉस वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किया मतदान। संसद भवन में पीएम मोदी ने की वोटिंग।
गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मताधिकार का किया प्रयोग, शाह ने संसद भवन में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी डाला वोट, मनमोहन सिंह संसद भवन में वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस की अंतरिम उपाध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला, अधीर रंजन चौधरी शशि थरूर ने भी डाला वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया, राहुल गांधी ने संसद भवन में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने डाला वोट, लखनऊ विधानसभा में सीएम योगी ने किया मतदान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली विधानसभा में डाला वोट, वोटिंग के बाद बोले केजरीवाल, उम्मीद है देश को अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मताधिकार, धामी ने देहरादून में की वोटिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रपति चुनाव में डाला अपना वोट, खट्टर ने चंडीगढ़ में डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किया मतदान, जयराम ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू के जीत का किया दावा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया वोट, भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया मताधिकार का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मतदान, सीएम बघेल ने रायपुर में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सेलिब्रिटी सांसदों ने भी किया वोटिंग, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ऐतिहासिक मतों से होगी द्रौपदी मुर्मू की जीत, मुर्मू को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता है देश। यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव के समर्थन पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा अखिलेश अपने पिता का अपमान कर सकते हैं, मुलायम का अपमान करने वालों के साथ अखिलेश। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान के राज्यसभा के विपक्षी दलों ने किया हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के स्थगित। मानसून सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी, दिल्ली में बारिश ने दी दस्तक, पता नहीं संसद के अंदर गर्मी होगी या नहीं। पीएम मोदी ने कहा संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, संसद में खुले मन से संवाद होना चाहिए, जरूरत हो तो वाद विवाद भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने संसद की गरिमा बढ़ाने के लेकर सभी से मिलकर काम करने का पर दिया जोर, कहा संसद को संवाद का माध्यम बनाए, विपक्ष चर्चा में शामिल हो। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन दाखिल, धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक, लोकसभा महासचिव को सौंपा प्रस्ताव। धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद, 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है धनखड़, बीजू जनता दल जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी धनखड़ के साथ, मार्केट अलवा विपक्ष की उम्मीदवार। नामांकन के बाद बोले जगदीप धनखड़, ऐसा मैंने सपने भी नहीं सोचा था, साधारण किसान को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। जगदीप धनखड़ ने कहा पीएम मोदी का आभारी, प्रजातांत्रिक मूल्यों को आगे ले जाने का काम करूंगा। राजस्थान के कोटा में हिजाब पर विवाद, नीट परीक्षा देने आई 4 युवतियों और परिजनों ने किया हंगामा। कोटा के एग्जाम सेंटर पर नीट परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही, छात्राओं को हिजाब और बुरखे में दी गई परीक्षा देने की अनुमति। कोटा हिजाब मामले में बजरंग दल की भूमिका, हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति देने वालों पर कार्रवाई की मांग, कहा एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू छात्रों को भगवा कपड़े और तिलक लगाकर भेजेंगे। बिहार के दरभंगा में पीएफआई के पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन, गिरफ्तार संदिग्धों को जल्द रिहा करने की मांग, आतंकी गतिविधियों से किया इनकार। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में राहत, यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में फिलहाल कार्रवाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी अंतिम जमानत पर सुनवाई। अदर परवेज और अरमान मलिक के अहम खुलासे, ट्रेनिंग दफ्तर चाय जूस में 90 लाख रुपए खर्च। पीएफआई के आतंकियों पर हवाला के जरिए विदेश में फंडिंग का शक, डिजिटल लेनदेन को का रिकॉर्ड खंगाले में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर बैन की मांग का कहा पीएफआई से देश में आतंक का माहौल है। लुलू नमाज विवाद पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी धर्म जाति के नाम पर लड़ा रही है, हंगामे के लिए बीजेपी के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी। अखिलेश ने कहा लुलू के जो मालिक हैं उन्होंने यूपी में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट मीट में उनका स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, विधायकों के बाद अब सांसदों ने की बगावत, शिंदे गुट की बैठक में ऑनलाइन रहे मौजूद। 7 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी, सुप्रीम कोर्ट में करेगा 21 जुलाई को इस पर सुनवाई। दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। लखनऊ के सीएम आवास पर घर घर तिरंगा यात्रा और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर बड़ी बैठक, सीएम आवास पर शाम 7 बजे सीएम योगी करेंगे बैठक। घर घर तिरंगा यात्रा, सीएम हेल्पलाइन और IGRS पोर्टल पर निर्देश देंगे सीएम योगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे डीएम और SP। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में पढ़ा सकेंगे केवल TET पास परीक्षा टीचर।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा, बंदरों के झुंड ने पिता के हाथ से 4 महीने का बच्चा छीनकर छत से फेंका, मौके पर बच्चे की मौत। वाराणसी में नशीली दवा की खेप के साथ 16 आरोपी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के मालदा जा रहे आरोपी, 3000 से ज्यादा नशीली दवा की बोतलें भी जब्त। उत्तराखंड के कोटद्वार में इलाज के दौरान 5 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल प्रशासन के आरोपों को उन्होंने बताया बेबुनियाद। मध्य प्रदेश के धार में नदी में गिरी बस, हादसे में 13 लोगों की मौत, इंदौर से पुणे जा रही थी बस। एमपी के धार में दर्दनाक सड़क हादसे में पर पीएम मोदी ने जताई दुख, पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए जताई संवेदना। सावन का पहला सोमवार आज, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, डमरू बजाकर भक्तों ने हर हर महादेव के लगाए नारे। झारखंड के देवघर में भोलेनाथ के भक्तों का लगा तांता, सावन के पहले सोमवार पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का जवाला। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां पूरी, आजादी के अमृत महोत्सव में यूपी में फहराएंगे 3.18 करोड़ तिरंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अभी राजस्थान के कोटा से मिल रही है, जहां पर हिजाब विवाद में अब तूल पकड़ता दिख रहा है। बजरंग दल ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कोटा से ये बड़ी खबर आ रही है। कोटा में हिजाब मामले में अब तूल पकड़ा है और गहलोत सरकार को बजरंग दल की चेतावनी है, भगवा कपड़ों में परीक्षा देंगे हिंदू छात्र, ये अब बजरंग दल कह रहा है। क्योंकि हिंदू छात्र तिलक लगाकर आएंगे, बजरंग दल कुछ छात्राओं ने अब हिजाब ओढ़कर एग्जाम दिया है, उसके ऊपर अब बजरंग दल ने लगातार प्रदर्शन किया है। नीट परीक्षा में हिजाब में छात्राओं की परीक्षा का पूरा मामला है, बजरंग दल ने परमिशन देने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। और बजरंग दल की कड़ी चेतावनी के बाद हिंदू छात्र, ये भी साफ तौर पर बजरंग दल ने कहा है कि हिंदू छात्र अब भगवा और तिलक लगाकर एग्जाम देने आएंगे। ये मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ऐसा सब कुछ हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, प्रवेश परीक्षा के जो नियम है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा भेदभाव पूर्ण रवैया हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आप हिजाब पहन के उनको अनुमति दे रहे हो परीक्षा देने की, कल से हिजाब का समर्थन करने वाले लोग कहेंगे हम यहाँ पर आकर नमाज पढ़ेंगे, परीक्षा केंद्रों में नमाज पढ़ेंगे। क्या ये सब चलता रहेगा? इसको हिंदू समाज कतई सहन नहीं करेगा। हम जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और बजरंग दल के माध्यम से ये मांग की है, ऐसे अधिकारी जिन्होंने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मुस्लिम छात्राओं को दी है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू समाज आक्रोशित है और यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं होती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, सभी हिंदू छात्र छात्राओं को तिलक लगाएंगे, उनको भगवा गमछा पहनाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर तक पहुंचेंगे। चलिए बड़ी खबर के जरिए बताते हैं कि क्या है राजस्थान का कोटा हिजाब विवाद। मेडिकल परीक्षा के दौरान कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर एग्जाम दिया और उन्हें रोका भी गया। परीक्षा सेंटर ने हिजाब में आई छात्राओं को एग्जाम देने की इजाजत दी और कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर ये परीक्षा दिया और परीक्षा केंद्र ने हिजाब में परीक्षा देने की इजाजत भी दे दी और हिजाब पहनकर छात्राओं ने फिर मेडिकल परीक्षा दी है। कोटा के दादाबाड़ी में हिजाब पर अब उसके बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। बच्चे सब तरह के आ रहे हैं लेकिन इस बार मॉडर्न समाज के 4-5 बच्चे आए हैं जो हिजाब कैरी करते हैं, उसमें थोड़ी समस्या आई है। प्रिंसिपल साहब ने उनसे फिर लिखित में लेटर लेके कि कोई भी दिक्कत आती है तो आप जिम्मेदारी होगी इस तरह से लेकर लेटर लेके चेकिंग करना अलाउ की। परीक्षाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा हो रही है और ऐसा हुआ है तो सवालों के घेरे में है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को आयोजित करवा रही है, लेकिन दो अलग अलग धर्मों के लिए दो अलग अलग कायदे, यही कुछ देखने को मिला कोटा के दादाबाड़ी के मोदी कॉलेज एग्जाम सेंटर पर। और ये फिलहाल तस्वीरें मोदी कॉलेज एग्जाम सेंटर की, एग्जाम चल रहा है लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ हिंदू धर्म से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आस्था के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको सड़कों पर यहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आएंगे। पूरी तरह से जो बाकायदा चुन्नी है गर्ल्स की वो तक उतरवा दी गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो दूसरे समुदाय से जुड़ी हुई गर्ल्स एग्ज़ाम देने के लिए आई तो बाकायदा उन्हें हिजाब में एग्ज़ाम सेंटर के अंदर परमिशन दे दी गई, यानी कि एक एग्ज़ाम सेंटर, एक NTA और नियम कायदे दो, इस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली जो
अपने आप में फिलहाल सवाल खड़े कर रही है, और निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी भी है क्योंकि एनटीए जैसी संस्था इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और इस तरह की जो नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, इस तरह की लापरवाही एग्ज़ाम सेंटर पर की गई जिसमें अलग अलग नियम कायदे रखे गए और बाकायदा नियमों को तोड़ करके हिजाब के अंदर 5 जो गर्ल्स हैं उन्हें एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अनुमति दे दी गई। सवाल उठना लाजमी और सवाल फिलहाल उठ रहा है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर वासिम जिले में हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है। नीट की परीक्षा के दौरान कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, यानी वो हिजाब पहनकर आई लेकिन कॉलेज प्रशासन ने हिजाब उतरवा कर उसके बाद परीक्षा देने की इजाजत दी। महाराष्ट्र के वासिम में हिजाब को लेकर यह विवाद, 2 मुस्लिम छात्राओं का कॉलेज प्रशासन पर आरोप है हिजाब उतरवाने के बाद परीक्षा की इजाजत दी गई। नीट मेडिकल परीक्षा के दौरान विवाद हुआ है और वासिम के शांताबाई गोटे कॉलेज का ये पूरा मामला है। कॉलेज में आए तो उन्होंने मतलब बाहर से ही हमको वापस कर दिया, पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुरखा उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको क्या मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुरखा भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उन्होंने। वहीं शिंदे गुट ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है और पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को शिंदे ने बर्खास्त किया है। ये बड़ी खबर अभी आ रही है, शिवसेना के मुख्य नेता के रूप में मुख्यमंत्री शिंदे का चुनाव हुआ है। प्रवक्ता के तौर पर दीपक केसरकर का चयन किया गया है, रामदास कदम और आनंद राव का नेता के रूप में चुनाव हुआ है। तो शिवसेना के मुख्य नेता के रूप में सीएम शिंदे का चयन हुआ है, प्रवक्ता के तौर पर दीपक केसरकर का चुनाव हुआ है, रामदास कदम और आनंद राव को नेता के रूप में चुना गया है। ये बड़ा बदलाव शिवसेना में, शिंदे ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है और पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को शिंदे ने बर्खास्त कर दिया है। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है दरभंगा से, जहां पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरभंगा में पीएफआई का विरोध प्रदर्शन हुआ है, पुलिस पर पीएफआई को परेशान करने का आरोप है, झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। नरुद्दीन जंगी सामाजिक कार्यकर्ता है, पीएफआई ने यह कहा है हम गरीबों का उत्थान करते हैं, पीएफआई अब ये कह रहा है झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तारी की जा रही है। और नरुद्दीन जंगी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये कहना है पीएफआई का और हम गरीबों का उत्थान करते हैं, ये आरोप अब पीएफआई की तरफ से लगाया गया है। पटना में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा है और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी करके हमारे पॉपुलर फ्रंट के जो स्टेट की टीम है, हमारे जो लीडर लोग हैं, 26 लोगों को उस अवैध कांड से जोड़ दिया गया है। अच्छा, और इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट से जोड़ने की एक नापाक कोशिश जो है पुलिस कर रही है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हुए। तो देखिए, पीएफआई ने अब सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है। दरभंगा में पीएफआई का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, पुलिस पर पीएफआई को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तारी का भी ये आरोप लगाया गया है। इस पर और भी ज़्यादा बारीकी से एक रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा उसे देखिए। पटना में आतंकी पाठशाला लगाने का आरोप जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे चरमपंथी इस्लामिक संगठन पर लगा है, वो अब आरोपियों के बचाव में उतर आया है। पीएफआई ने ट्वीट कर विक्टिम कार्ड खेला है। पीएफआई ने पकड़े गए आतंकियों को मासूम बताया है और कहा है कि मुस्लिम युवाओं को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक सक्रियता में अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया। पटना में टेरर मॉड्यूल चलाने का आरोप पीएफआई पर है, इसलिए वो बचाव में उतर आया है, लेकिन उसका इतिहास कम दागदार नहीं है। पिछले कुछ समय से जहां से भी दंगा और हिंसा की खबरें आती हैं, उसमें पीएफआई का लिंक निकलकर जरूर आ जाता है। दिल्ली दंगा, जहांगीरपुरी हिंसा, कानपुर हिंसा, उदयपुर हत्याकांड, बेंगलुरु हिंसा, करौली और जोधपुर हिंसा में पीएफआई का नाम आ चुका है।
खुद को घिरता देख पीएफआई भले ही अपने आप को पाक साफ बता रहा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि हथियार के बल पर इस्लामिक स्टेट बनाने का मिशन चलाने वाले लोग मासूम कैसे हो सकते हैं। इस बीच वकील का चोला पहनकर आतंकियों की पैरोकारी करने वाले नूरुद्दीन जंग को पुलिस ने कल पटना कोर्ट में पेश किया और उसे 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीएफआई से जुड़ा नूरुद्दीन आतंकी वारदातों में शामिल रहे लोगों के लिए केस लड़ता है और पटना टेरर मॉड्यूल में उसका भी नाम आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही, बने रहे आप जी हिंदुस्तान के साथ।